लिए भागे सुर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की। भैया कहाँ से आना होगा आप लोगों का? सुकवाहा से, किशनगढ़ के पास। अच्छा, सो पैदल यात्रा निकल गए आप लोग। दो लोग थे, चाहते तो मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल से भी जा सकते थे। पहले मोटरसाइकिल से आ रहे थे, पहले वो पैदल भी आए, मोटरसाइकिल से भी आए, लेकिन पैदल आज ही आए हैं। अच्छा, इसे आए कि हमारी बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वहाँ मतलब समस्या बहुत ही तेज गड़बड़ हो गई थी। हमने घर से कह दिया था कि हम यहाँ से ही जाएंगे पैदल, और हमारे यहाँ बहू का देवी जान लगी, तो हमने कही देवी जी सही हो जाए और बाद में हम तुम्हारे चरण में देवी जी की भेंट ले जाए भी बागेश्वर महाराज। अच्छा, तो बहू सही हो गई। तो मतलब इसके पहले पहले भी आए कभी, जो कि आपने मतलब कि घर ही से बोली थी माता से? नहीं, पहले आए थे, अर्जी बांध गए थे, फिर बहू बीमार तो हमारी बहुत पहले से है। हाँ हाँ, आती रही एक दो बार, फिर हमने बोल दिया तो फिर अर्जी आपने मतलब घर से ही लगा ली थी? अर्जी हम धाम पे गए थे, धाम पे मतलब महाराज जी से मिलना हुआ था कि नारियल बांधा था? बस खाली बब्बा जी के साथ चले जाओ, महाराज जी तो वैसे ही विदेश में थे जब। अच्छा, आप मतलब हनुमान जी के दर्शन किए आपने बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के, और वहाँ नारियल लिया, लाल कपड़े में अर्जी बांध दी, और बकाया जो प्रसाद चढ़ाना होता है वो चढ़ाया, और कह दिया कि मालिक अब आपको ही देखना है, वो भला आपको ही करना है, हम तो कछु नहीं जानता है। वो महाराज जी से भी अब मिल पाना बहुत कठिन है, तो हम नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आपसे ही जो कुछ है तो आपसे ही विनती है बाबा, तो बालाजी सरकार से ही विनती थी, उन्हीं के द्वारा हम मतलब बागेश्वर बालाजी ने तुरंत आराम कर दिया है ना? बिल्कुल, तुरंत सब कुछ कह दिया, उस बहू के मुख से ही कह दिया कि वहाँ लेके जाओ, वहाँ सही होगा। जबकि उस एरिया में हमने तो ठीक है, हमारे बब्बा लोगों ने नहीं देखी थी बागेश्वर बालाजी, वहाँ नहीं देखा था जहाँ उस बहू ने कह दिया था, बहू के मुख से एक देवी ने बोल दिया था कि वहाँ चले जाओ, वहाँ ठीक हो जाएगा, मतलब बागेश्वर बालाजी पहुँच जाओ। हाँ, तो सब आराम हो जाएगा। भैया साथ में कैसे जा रहे हैं आप? भैया छोटे भैया हैं, मतलब इन्हें की पत्नी कहलाए? मंजिले वाले की पत्नी है। अच्छा, लेकिन हम बहुत जंगल में से आए, हमारे यहाँ बहुत गनगो जंगल है, पन्ना टाइप लगा भगवान। हाँ हाँ, जंगली जानवरों का मतलब डर है वहाँ पे, है ना? घर परिवार ने बोला कि तुम साथ में चले, साथ में चले जाओ। तो बागेश्वर बालाजी की मतलब अद्भुत कृपा है, अद्भुत कृपा है। और जैसे कई लोग आते हैं और उनके उनका महाराज जी से नहीं मिलना हो पाता, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? महाराज जी से मिलना हो या ना हो, हमारा भी महाराज जी से मिलना नहीं हुआ, दूर से दर्शन किए हैं एक दिन, कष्ट उनके दूर हो जाते, लेकिन कष्ट वहाँ दूर होते हैं। धाम पर जाओ, धाम पर बाबा के दर्शन करो, बब्बा जी के उतने ही में सब कुछ सही है। आपका कहने का मतलब यह है कि बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करो, वहीं सब कुछ हाँ कृपा है ना? हाँ, महाराज जी ना भी मिल पाए। अब 20,000 आदमी आते हैं महाराज के, जबकि 500 पर्ची निकल पाते हैं एक मंगल को, कभी मंगल को बैठ जाते हैं तो। जी है बिल्कुल। तो बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय। भैया एक मोबाइल नंबर बोल दीजिए आप अपना। भाई साहब हमारा मोबाइल नंबर गाँव में है, और हमारे जो है मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है, सो हमारा लग नहीं सका था। चलिए कोई बात नहीं, फोन है तो हमें नहीं, घर का नहीं, दो नंबर कोई बात नहीं, नहीं घर का फोन तो है। हाँ, लेकिन वहाँ लग नहीं सकता है, वहाँ टावर पे रखना पड़ता है, ऐसा एरिया है जहाँ से हम आए हैं, मतलब बहुत घनघोर जंगल में से होते हुए आए, गिर गिर घाटियाँ, पन्ना टाइगर के अंदर है। अच्छा ठीक है, तो फिर भैया बागेश्वर धाम बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय। आप लोग जाए महाराज जी से मिलना हो आपका, जय श्री राम।